तो नमस्कार, फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सुर्खियों पे एक नजर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज होगा शुरू। संसद में हंगामे का असर, इस बार शुरुआत नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। शपथ में पहले नरेंद्र मोदी बतौर सांसद शपथ लेंगे। पीएम मोदी समेत 280 सांसद शपथ लेंगे। इस साल सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच हज यात्रियों के दौरान 1300 अधिक लोगों की मौत। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। इसके अलावा हज यात्रा के दौरान पूर्व में भगदड़ मची घटनाएं और महामारी भी फैल चुकी है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंगों में लाखों जिंदगियों को निगलने के बाद भी शांत नजर नहीं आ रही है। इस बीच इजराइल में एक बार फिर बेकसूर फिलिस्तीनियों पर कहर ढा दिया है। खबर है कि गाजा के अलग अलग इलाकों में इजराइल के हमले में कम से कम 101 फिलिस्तीनी की जान चली गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल की सेना ने सबसे घातक हमला गाजा के सबसे पुराने शरणार्थियों शिविर अल साती पर किया, जिसमें 24 लोग मारे गए। जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडारा बचाओ थीम पर कलाकृति बनाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। हुती विद्रोहियों का दावा, लाल सागर और हिंद महासागर में दो जहाजों पर किया अटैक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज डायरिया रोको अभियान 2024 का करेंगे शुभारंभ। शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की बैठक कल। एनटीए के कामकाज पर हो सकती है समीक्षा। रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला, 2 आतंकी मारे गए। आज के लिए बस इतना ही, कल फटाफट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।